भाइयों, ये भक्त पूर्णमल की जो सीडी है उसको देखो, क्या आनंद आएगा। बहुत ही पारंपरिक कथा है भक्त पूर्णमल की, आप देखिए, भक्त पूर्णमल की कथा जरूर देखिए। धन्यवाद। बोल जगदम्बा भगवती की जय। हुयो पूर्ण को जन्म जग में मान भटी को, जग में मान भटी को, पण गगन में एक फर सूरज भान गटी को। हुयो पूर्ण को जन्म जग में मान भटी को, जग में मान भटी को, गगन में एक फर सूरज भान गटी को। हुयो पूर्ण को जन्म जग में मान भटी को, जग में मान भटी को, गगन में एक फर सूरज भान गटी को। जी शालकोट नगरी को राजा सुलेमान तपधारी, और इंसरा पे कुहेत बहुत नोना दे रानी प्यारी, थी रूपवती नोना दे सुलेमान खिल गो, जी सुलेमान खिल गो, पण गगन में एक फर सूरज भान गटी गो। हनुमान जी महाराज की जय। तो देखो शालकोट नगरी के मान सुलेमान राजा हुए, जो विके दो रानी थी, एक रानी को नाम तो चो इंसरा, दूसरी रानी को नाम चो नोना दे। तो भी बड़ी रानी थी ने इंसरा भी का गर्भ से एक लड़को जन्म ले जे, जी टाइम में भी लड़का को जन्म हुए तो सूर्य भगवान को आकाश में एक पहर तक रुको, इंद्र का दरबार से सब परियां आ गई और दुनिया इकट्ठी होगी भी का रूपन देख बताई। आज जन्म लियो इछरा के पूरण हर से सारो से, रूप देख सूरज को रत रुक गयो गगन के फेर, सारी परिया मोहित तो हो गई गुमान घट गो, जी गुमान घट गो, पर गगन में एक फेर सूरज भान घट गो। सारी परिया मोहित तो हो गई महाराज की जय। राजा सुलेमान बिन जन्म लेवा की खुशी के मायने दान पुण्य कर रहे थे। आज मोरा और असरपिया राजा बांट रहे हो धनमाल, और अरब खरब की गिनती नहीं फूल रहे हो भूपाल, दिया हाथी घोड़ा ऊंट गऊ दान पट गो, दी गऊ दान पट गो, पर गगन में राजा ब्राह्मणा ने बुलाओ जी, ले भाई ब्राह्मणों था को वेद खोल बताओ लड़को कशाक नक्षत्र हमने रम लियो।
ब्राह्मण देकर कहते कि महाराज वहां का वेद के मान तो यह लिखी छे कि जब सूर्य भगवान को रति आकाश में एक पहर तक रुको तो इन लड़का का प्राण बचवा के मान खतरो जे महाराज, इनका प्राण एक ही तरह से बच सके जे कि 12 साल तक अंधेर गुफा के मान रखे जाए। अर्थे राजा रानी 12 साल तक ही लड़का को मुंह मत देगी, जे 12वीं साल से पहले निकाल लियो गयो तो इनके माने आया की दिक्कत आवेली कि एक तरह से अमृत में जहरी मिलाई जाए। अजी लाख जतन सु नहीं टरे लिखा बिदना का लेख, साल बार भी मरसी थारे तीन सु एक, मरगो तो हर की महर बचगो ज्ञान तिरी गो जी बचगो ज्ञान तिरी गो पर गगन में एक बहर सूरज बान पिता मत मुखड़ो देखो यो ही एक उपाय, अरे राखो 12 वर्ष कंवर ने अंध भोरा के माई, होगो जन्म दुख्यारो भगवान रूठ गो जी भगवान रूठ गो पर गगन में पर सूरज भान जाती गो, होगो जन्म दुख्यारो भगवान रूठ गो जी भगवान राजा ब्राह्मण की बात सुने और महल के मायने जा और रानी इंसरान देखकर कहते कि ले रानी ये लड़का न तो मन दे कि पतिदेव के मुंह देखने जगाएं कि नहीं रानी ब्राह्मण लोगों को यो हुक्म हो जे कि 12 वर्ष तक अंधेर गुफा के मांज रखे जाए, जद इनका प्राण बचेला सूर्य भगवान को आकाश में रत रुक्यो हो जे वो सूरज को रत भी ना आकाश से जद उतरे। रानी रोबा लागी कि पतिदेव जो एक ही तो लड़को महाराज और 12 साल तक भी अंधेर गुफा के मैन कह रेल और महाराज मैं भी जिंदगियां रोनी के बिना, वह ब्राह्मण ने खैर महाराज और क्यों टोटकिया ही करवा लियो कि नहीं रानी ये लड़का ने तुम्हें दे दिए यहीं का प्राण बच जाएगा। तो रानी रोबा लागी जना राजा सुलेमान रानी इंसरान समझा जे राखा नजर सिंदूर रोवे बेसुर रानी रोवे बेसुर 12 वर्ष राखा नजर सिंदूर रोवे बेसुर रानी रोवे बेसुर 12 वर्ष राखा नजर सिंदूर आदि नजर सिंदूर राखा नजर सिंदूर राखा नजर सिंदूर रोवे बेसुर रोवे बेसुर 12 वर्ष सूरज रत ठहर गयो लड़का का सिर पर भार, गणित ज्योतिषी ज्ञान सही पंडिता को सत्य विचार, मैं कारण मजबूर 12 वर्ष राखा नजर सिंदूर
के बिना जिंदगी कौन रह सकूंगी, 12 वर्ष तो कहीं मैं के बिना एक पलवरी जिंदगी को दूंगी। ले रानी थारा लड़का के वास्ते भी अंधेर गुफा में सभी तरह को इंतजाम करवा दियो जाए लो, लेकिन ये लड़का तो मन दे। दाई दादा धाई बांदिया हरदम रे मौजूद, लाड चाव कर पाल पोस ले निश दिन पावे दूध। चाकर खड़ा रे हजूर, चाकर खड़ा रे हजूर, 12 बरस राखा नगर सुलेमान ने मानी दना रानी इंजरा मुक्के उपरा पल्लो गेर और महाराज बजर की सी छाती करे और राजा सुलेमान की गोदी के मान भी लड़का दे जगी लियो महाराज ले जाओ अब चाहे थे इन मारो और छोड़ो। मुख पर पल्लो गेर गोद ले आई महल सुचाल, मारो चाहे छोड़ो राजन चाहे करो हलाल। अजी मन की काडो भरपूर, मन की काडो भरपूर, 12 बरस राखा नगर सिंदूर। सुलेमान कोई लड़का ने ले और महाराज जमी के मान राजा का तल कर जा अंधेर गुफा के मान ले जा भी पूर्ण मल्ल छोड़ दे जा। नौकर चाकर दास दास या बांध्या सभी तरह को इंतजाम करवा दियो, बट इन सूरज को रथ भी आकाश से उतर गो। अब रोजिना पूर्ण मल्ल की खुशखबरी का हाल चाल है, राजा सुलेमान ने भी को एक वजीर जो रूपे सा वो सारा समाचार सुना दे कि महाराज आपको लड़को आनंद। पूरण मल की कुछ खबरी फरमावे रोज वजीर, सुनकर शुभ संदेश भंदे भगवान साई के धीर। दिन दिन भड़ रहो नूर, दिन दिन भड़ रहो नूर, 12 बरस राखा नगर भी। पूर्ण मल ने भी अंधेर गुफा के मायने 11 साल बीत गई। एक दिन पूर्ण मल वा सब नौकर चाकर दास दास देकर कहते गिरवाएगी थाम सुकून सा मारा बाबा। वह सभी नड़का की महाराज में तो कोई भी कौन है बोलाड़ी जा को रहे है कि तो कि महाराज आप शालकोट नगरी का राजा सुलेमान का लड़का जो और आपकी रानी को नाम से इंजरा। पूर्णमल के खुशी बहुत हुई लेकिन आत्मा का मान दुख भी होगो कि भाई वह आया का हत्यारा जगह मारा माँ बाप की जन्मता नहीं मनी अंधेर गुफा का मान पटक दियो लाड प्यार तो दूर लिया नहीं कि महाराज आया की बात कौन है। जी टाइम में आपको जन्म हुई हो ने तो सूरज भगवान को रत आकाश में एक पैर तक रुको और दुनिया इकट्ठी होगी आपका रूप देख बताई तो ब्राह्मण लोग यह बात कही कि महाराज इनका प्राण जत बचेला इन 12 साल तक अंधेर गुफा में रह गया इन कारण से महाराज आपने राग रखी। पर महाराज पूर्णमल एक कागज लिख परवानू
हर नौकर का हाथ माँ बापा का भेजे थे कि पिताजी हन ब्राह्मण 12 साल के लिए खाई दे, तो कि जाको 11 साल को तो मैं होई गो और 9-10 महीना तक माँ का गर्भ में भी तो रह जाओ। इस प्रकार से थे 12 वर्ष पूरा कर मान लियो हर मन तो पिताजी जल्दी जल्दी अंधेर को पास निकाल लो। तो देखो पूर्णमल भी परवाना में कायम बाल लिखे थे निकालो जी, 12 बरस गया बीत, आज पूरन ने संभालो सब दूर नहीं चैन सुरैन कटे बेचैन कमर मजबूर खेल किस्मत को निरालो जी खेल किस्मत को निरालो जी 12 बरस गया भी आज पूरन में संभालो गर्भ का जोड़ो दिन हो जावे पूरा भगवान साईथा का दर्शन बिन सारा काम अधूरा पिताजी अठे नहीं उजालो जी पिताजी अठे नहीं उजालो जी 12 बरस गया भी आज पूरन संभालो पिता मारी जरा तरस ना आवे और करी बजर की छाती नित छत्ती सु भोजन खावे याद नहीं आवे लालो जी याद नहीं आवे लालो जी 12 बरस गया भी आज पूरन ने संभालो I'm not afraid.
परमानंद मावा फटे हर राजा राणे का आंखिया मांसो आगा ले रानी आपन ब्राह्मण 12 वर्ष के लिए खाई जी 11 साल तो हो गई हर 9-10 महीना तो ये थारा गर्म में भी तो रहो चंद रानी अब तो आपना भी लड़का निकाल लिया हाँ की पति देव निकाल लिया तुम्हारा राजा सुलेमान खूब धूमधाम से गाजा बाजा के साथ में पूर्णमल ने अंधेर को पास निकाल लिया दरबार में ले आता है यहाँ पहली की तरह ही साफ दुनिया इकट्ठी होगी बिका रूप देखता है 360 देश का राजा आप आपकी लड़कियां ने दे पाता है 360 टीका भेज दिया पर पूर्णमल साहब इनकार होगा कि पिताजी मैं तो भगवान को भगत सुन ब्रह्मचारी रूला मैं ब्याह को न करा तो यहाँ काई बात बने जा गए अरे मोटे रो आई जी आई 360 सगाई बात पुराण कह नहीं मन भाई आई जी आई 360 सगाई बात पुराण कह नहीं मन भाई आई जी आई 360 सगाई बात पुराण कह नहीं मन भाई पुराण कह मन नहीं भाई बात पुराण कह मन नहीं भाई अंधभोरा के माए गुजारी पूर्ण 11 साल अजी गाजा बाजा सहित गयो श्री सुलेमान भूपाल पात्र नाच बाजा बाजे नंगारा से नई बात खलकत भेड़ी होगी बेसुमार आदि मोरा और असर प्या बांटी खोल दिया भंडार मेलो भेड़ो हो गो निर के सूरत लोग लुगाई बात पुराण के नहीं मनवाई जगह का वे टीका ले रहा था ने एक एक जगह का तीन तीन आदमी था नाई ब्राह्मण बाट तो राजा ने प्रार्थना करे थे कि महाराज माँ का यह टीका न स्वीकार करो आप अर्ज करे कर जोड़ भूप ने नाई ब्राह्मण बाट आज लियो आनंद का ठाट समझ कर जावा 360 वो नट गयो झटपट माँ पी दियो सारा ही बात सुलेमान देखकर कहते कि बेटा यार टीका ने तो स्वीकार कर ले
सुलेमान के शादी कर ले हो पूरण प्रसन्न, अजि लाख बार समझायो फिर भी फीका पड़ा यतन। ऋषि कंवारो तुम्हारो सुत मत काटो, नर माई बात पूरण के नहीं मनवाई। ऋषि कंवारो तुम्हारो सुत मत काटो, नर स्वीकार कर ले आगे के लिए। बेटा थारो ब्याह हो वो मुश्किल हो जाए लो मारे लिए, थारो ब्याह कर वो मुश्किल हो जाए लो कि पिताजी मैंने तो आज ब्याह कराऊं निकाल कराऊं। तो राजा को वो रूपे साहब वजीर देकर कहते थे कि महाराज ने क्यों परेशान करो जो भी अंधेर गुफा के मानियो 11 साल में कोई दुनिया का रंग ढंग तो देखे आदगा। हम यो धीरे धीरे दुनिया का रंग ढंग देख लो नहीं तो आगे खुद ही आपका मन से खैर ही शादी करवा ले। यह टीका ले रहा है आंसू माफी मांग लियो कि भाई थांगा टीका बाद में स्वीकार करे जाए। कहीं खेरे पूर्ण बाप ने दन जो बन दिन चार पिता दी जग झूठो सौपन, और बड़ो राम को नाम जगत में जप तप अलग भजन। गया हार समझार भगवान साई गई बात पूर्ण के नहीं मनवाई। गया हार समझार भगवान साई गई बात पूर्ण के नहीं मनवाई। आई की आई तीन सो सात सगाई बात पूर्ण के नहीं मनवाई। पूर्ण के मन नहीं भाई बात पूर्ण के मन नहीं भाई। लाग दिया अरे ढोला जावा तेरे पीर माँ की याद आवे रे, ढोला जावा तेरे पीर माँ की याद। वह सगया ने वापिस लौटा दी 360 सगया ने कि भाई था का टीका ने बाद में स्वीकार कर जाए। राजा सुलेमान देकर के चले बेटा पूरण थारे दो माचे, एक तो थारी जन्म दे वाली माँ रानी इंसरा और दूसरी थारी छोटी माँ यानी मावसी नौना दे रानी। अब बोल तू पहली कुण का महल में जाए कि पिताजी आपकी आज्ञा में बैठे चले जाऊं। कि देख बेटा थारी माँ को तो थारे ऊपर प्रेम जाई वादो तने जन्म दियो जे, पर जो वार नोना दे रानी से ना थारी माँ सी बेटा भी को प्रेम थारी माँ का प्रेम समय तू विशेष समझ। तो देखो पूर्णमला आपकी मावसी का महल में जा रही जे, मावसी के साथ परिक्रमा लगा और एक अंगूठा के पान खड़ो और खेजे किले माँ तुम्हें लंबी उम्र को आशीर्वाद दो। तू तो मारा जन्मता को मुंह देख लियो लो लेकिन मैं तो आज ही देखेता हूँ। साहबा मावसी भी पूर्णमल का रूप न देख और शुद्ध बुद्धि बोली कहीं खरी थे बेटा ने मावसी, लेकिन पूर्ण तुम्हें मामा मत कहने, माँ तो देख वाह हुआ करे जो जन्म दीजिए, मैं तेने जन्म थोड़ी दियो जे। तो कहीं कहते कि तू मारो पति बनजार मन तू थारी औरत राख ले। अरे मन माता माता मत ना बोल पूरण प्राण प्यारा, मन माता माता मत ना बोल पूरण प्राण प्यारा, मन माता माता मत
सुर में हरियाणा में। अरे मन माता माता मत ना बोले पूरण प्राण है प्यारा। हाँ पूर्ण मल के बांपड़ी बांपड़ी मासू होगा कि माँ यो तू कहीं जवाब दे रही थे मैंने कहीं खजा पूर्ण सत्राणी कू खल जाई पुत्र पर नी तड़ी गाई सत्राणी कू खल जाई पुत्र पर नी तड़ी गाई सत्राणी कू खल जाई पुत्र पर नी तड़ी गाई। अर कांप धरती आसमान गगन में चंदा सूरज तारा बंद में तारी कुछ शर्म राख हत्यारी कर दे बंद बंद में तारी कुछ शर्म राख हत्यारी कर बंद बंद में तारी कुछ शर्म राख हत्यारी। महानरक कुंड भोगेगी कीड़ा पेट भरेगा सारा खारा मैं पूरण पुत्र प्यारा मावसी बोल बखे मत खारा मैं पूरण पुत्र प्यारा मन बेटा बेटा मन बेटा बेटा बोल मावसी बोल बखे मत खारा अरे मैं बोल बखे मत खारा मैं
माओ शिशु पीछो छुटार भाग बाला गयो ना भाग हाथ पकड़ लियो वानो ना दे रानी माओ शिशु कहीं घरी दे जट हाथ पकड़ लियो रानी वा कर रेखी जमतानी जट हाथ पकड़ लियो रानी वा कर रेखी जमतानी जट हाथ पकड़ लियो रानी तुम्हारो पति बन जा तुम थारी औरत राख ले तो पूर्ण का जवाब दे रहे थे तू माता मैं तेरो फर्जन चाहे मारी काट ले गर्दन माता मैं तेरो फर्जन माता का हाथ सु मुक्ति हो मिल जा बैकुंठ द्वारा माता का हाथ मावसी अनेक उपाय कर लिया लेकिन सब पूर्णमल से ना कि ताई जवाब देते कि तुम्हारी माँ से मैं थारो लड़को इसमें चाहे तुम जान से खत्म करवा दे वाला के यतन अजमायो पूरण काबू नहीं आयो वाला के यतन अजमायो पूरण काबू नहीं आयो वाला के यतन अजमायो पूरण काबू नहीं आयो ऐसी माता भगवान साई कोई मुंह मत देखो माओ शिशु पीछे छुड़ार आपकी माँ का महल में चले जाए जे रानी इंसरा का महल में तुम्हारा जन्म दे वाली माँ तो माई आ करे थे आत्मा की चीज ची जन्मता को मुंह देखे तुम्हारा हर वो 11 साल को बड़ो हो रहे हो ना तो माँ के देखता है बापनी बापनी माँ सुन बहाकर गोदी में उठा लियो बेटा ने और महाराज रो बा के था आज पिंड छुड़ा मोशीसा छुड़ा मोशी से पूरे माँ का महल में आयो पिंड छुड़ा धरियो रणवास में हर सब आयो जागो कहीं खरीदे माँ अरे थारी उम्र हो हजार बेटा मारी तू कुख में जा हो हजारी रे बेटा हर कुख में जा
का मेला हो गया आज भरो को चांद उगया जो बापे का मेला हो हरि की डोले भगवान साई रस गायो माँ बेटा का मिलाप हो जाए और बटीनवा नोना दे रानी मन के मान विचार करी थे कि रान आपनी वो बात मानी तो आद कौन पूरा हर नादान बुद्धि को छेद जा राजा सुलेमान नजार खेदेलो ने तो राजा आपनी आपन जान से खत्म करा दे लो जे क्यों क्यों है पहली आपत तो क्यों क्यों षड्यंत्र रच ले तो काई करे जवा नोना दे रानी शरीर का तो आपका सब कपड़ा ने फाड़ लिया और जगह जगह खून निकाल लियो गहना ने बिखेर दियो और महाराज मेल के मान सूती गई बटीने एक राजा सुलेमान दरबार से महल में जाए जे रानी का हाल पे हाल देख राजा का तन बदन भाग लाए ले रानी जल्दी जल्दी बता कोई आंख करी हुए आंख खटवा दू जीव करी हुए जीव समरवा दू रानी आज तू कहीं हाल कर रहा क्या हे पति देव आपने काय बात को महाराज बात ये कि जो महाराज मखई को सकवा तो भी रानी की आखिर में बता तो देखो रानी बेटा के कलंक लगा रही देवा माओ सी कोरण गए कहीं कहते राजा सुलेमान ने आजी देखो जी राजा जी देखो जी राजा जी था को पूरण हद बदमाश हुयो देखो जी राजा जी था को पूरण हद बदमाश हुयो सेजा को अधिकार लियो बेटा को अधिकार लियो अधिकार लियो मेला पड़ी अंधेर और मोती बिखरिया पड़िया नोल को हार दियो कुणगेर मारी बोल बोल नो ना दे रानी बोल बोल नो ना दे रानी यो काई दस दूर कियो मारी बोल बोल नो महाराज जो आपको वो लाड दो सुन वो पूर्ण है यह हालत विकी करी हुई इतनी कहता है राजा सुलेमान के तन बदन में आग लागी की रानी तो होश कर बात कर रहे मारो लड़को तुम्हें को जेकी जी ने जन्म लेवा से सूरज भगवान को रत आकाश में एक पैर तक रुके हर वो लुगाई राग तो तुम के 360 रानी आती वो थारे माँ के ऊपर नींद थोड़ी डिगा हो जो रानी तुया काई बात करी महाराज में जो भी क्यों खरी सुनवा सारी बात सही मानवा
काई करी थी रानी खेमन की ना बात आजब जी बाकी ना आस और बापर बेटा दोनों था को जा जो सत्यानाश मैं याद करूं जद छाती फाटे याद करूं जद छाती फाटे सबर नाले उदले ही ओ मैं याद करूं जद मैल मायो ने तो मैं तो बिन बेटा बेटा खेती नहीं सुन रहे तो कहीं मैं तो बिन बेटा बेटा खेती नहीं वो मन कहीं कहते पण पहली कहीं कहते सब बस्तर दिया फाड़ू घाड़ी कर दी नंगी काया और मैं भूल गई सब होश नीच ने काला मुंह करवाया मारा भाई और बां भूल की सोगन मारा भाई और मारा भाई और बाबुल की सोगन सत धर्म बिगाड़ दियो मैं तो बिन बेटा बेटा कहती नहीं और वो मन काई कहतो मैं बेटा बेटा कह रही वो कहतो प्यारी जान राम राम श्री राम हत्यारी खागी धर्म ही मान अज मैं कंट कटारी खाई मरू मैं कंट कटारी खाई मरू अब जीवा में के सारे रहो मैं कंट कटारी खाई मरू यार बांग ज्यादा सड़ गई चक्कर आया है हाँ जी हाँ तो फिर कहेंगे जवा साहब ईमान धर्म खागी बहन की सोगन खागी बाप की खागी कि महाराज मैं मारा ईमान धर्म से खोज तो विश्वास की भी कोई हद हो जाए राजा के तन बदन में आग लगा दी किले रानी अब तू जल्दी जल्दी उखम दे रानी बोल भी न कहीं सजा दी जाए कि महाराज या तो वही जिंदू रह या मैं ही जिंदू एक काम करो भी जान से खत्म करवा हर भी को सारो खून निकलवा हर मारे पास में बेदी जो भी का खून से महाराज मैं मारा कपड़ा न रंगू जब तसल्ली आवली नहीं तो मैं दुनिया में कोई न मुंह दिखावा काबिल कौन रही कि एक बेटो माँ की साथ में जान जाएगी जा तो की रानी यही मेरी रक्त सुनंगवावे चुंदड़िया नो ना दे रानी हर दे कतल करावो पूरण की मैं जद बाखुवन पानी भगवान साई समचार सुन रियव भगवान साई समचार सुन रियव सुलेमान दरबार गयो भगवान साई समचार भगवती की
तो आज राजा सुलेमान खट महाराज दरबार में जा और आपका रूपे साहब वजीर ने बुला देकर कहते ले भाई कि तू जल्दी जल्दी रानी इंदिरा का महल में जा, भी पूर्ण ना ठपकट लिया। खट महाराज वो रूपे साहब वजीर रानी इंदिरा का महल में जा, पूर्ण ना देकर कहते कि महाराज आपने दरबार में महाराज बुलाओ। पूर्ण मल्ल देकर कहते खट महाराज पूर्ण का चेहरा को ऊपर उदासी आ गई कि मावशी तो क्यों उनके चक्कर कर दी। दरबार में ले जाए जब जाता ही सुलेमान राजा खट में उनसे तलवार निकाल ली महाराज और पूर्ण मल के ऊपर वार कर दिया। पास के मान वो रूपे सा वजीर खड़ो जो राजा को खट हाथ पकड़ लियो कि ठहरो महाराज बात सुनो भाई। महाराज कोई बात तो बताओ, इसे काई अपराध होगो, काई अन्याय कर दी महाराज, क्यों कत्ल कर रहे हो। पूर्णमल भी रोवा लागो हे पिता जी मारे से आया कि काई अन्याय होगी जो थे मारी कत्ल करो। तो राजा सुलेमान काई जवाब देते बेटा ने पूर्ण ने अरे मत समझे बेकूब मना रे देख ली तारी सच्चाई निकलियो पूत कपूत तन रे छोटी बात पसंद आई छोटी बात पसंद अरे मत समझे बेकूब मना रे देख ली तारी सच्चाई निकलियो पूत कपूत तन रे छोटी बात पसंद आई छोटी बात पसंद आई छोटी बात पसंद आई छोटी बात पसंद आई निकलियो पूत निकाली खड़ग कमर पर वार गजब को कर दियो खड़ो मंत्री पास झपट के नृप को हाथ पकड़ लियो नृप को हाथ पकड़ लियो छोटी माता पसंद आई।
छोटी माँ की पसंद आई।